Hi everyone, welcome to Antara Squad. As you can see in today's video, हम लोग Gunnar Myrdal के बारे में discuss करेंगे. इनसे related काफी questions आ चुके हैं past year questions में, so we have to know his basics. उनके theories किस basics पे आते हैं, what are his main keywords, etc. उसके बाद हम लोग कुछ PYQs भी देखेंगे related to Gunnar Myrdal, so that आप लोगों को एक idea मिल जाए कि किस type के questions Gunnar Myrdal से पूछा जाता है. But before I start, मैं आप लोगों को बता दूँ, please do subscribe to my YouTube channel Antara Squad, because आजकल मैं before net काफी सारे videos डालूँगी. Also do follow me on Telegram, that is Antara Chak. उस पे मैं काफी सारे reading materials, PDFs, videos के डालते रहती हूँ. And most importantly, please follow me on Khan Academy में, because there is where I am the main teacher. उसी पे मैं UGC related sociology का पूरा course पढ़ाती हूँ. So I can guide you regarding that later on. But now let us start with the video and please watch it till the end, because काफी सारे PYQs हैं end में, तो आप लोगों को एक idea भी हो जाएगा. So just to let you know, मैं आप लोगों को June 2020 exam के लिए भी guide कर रही हूँ on academy पे. Okay? So, अगर आप लोग चाहे अभी आप लोग 6 month का subscription ले सकते हैं, so that you people are there with me till the end and I can guide you throughout. उस पे आप लोगों को live courses मिलेंगे मेरे side से, सारे paper 1 के जो top educators हैं उनसे, and most importantly weekly quizzes, doubt clearing, plus मैं आपको full length mock tests भी देती हूँ. So, इससे क्या होता है, you people get to know what your status is. The most important part here being, please use this referral code antara.chuck23, जिससे आप लोगों को 10% के discount मिलेगी उस nominal fees में. So now let us start with the video and get to know who Gunnar Myrdal is. So basically Gunnar Myrdal, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था, he is an economist. तो उनको Nobel Prize भी मिली है 1974 में, but that is for his theories on economics. Okay? Economics की theory के लिए Gunnar Myrdal को हम दिस अवार्ड मिला था. सो ही इज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट. तो उनके काफी थियरीज को सोशियोलॉजी में काफी यूजफुल होता है हम लोगों के लिए. सो वी विल सी व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बट बिफोर दैट प्लीज आप लोग याद रखिए दैट हिज वेरी फेमस बुक द अमेरिकन डिलेमा एंड द एशियन ड्रामा, इन दोनों बुक से क्वेश्चंस आते ही हैं कि किसका किताब है एशियन ड्रामा, अमेरिकन डिलेमा किसका है. तो आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अमेरिकन का डिलेमा हो गया और एशियन का ड्रामा हो गया. सो दोनों जो है हमारे मिर्डाल का कॉन्सेप्ट है. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज मिर्डाल विथ एनी अदर पीपल. ओके, सो ये डिलेमा हो जाएगा, एशियन ड्रामा एंड अमेरिकन डिलेमा. सो लेट अस सी व्हाट आर हिज व्यूज ऑन इंडिया, और ऐसे क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेट परस्पेक्टिव से. सो उनका जो स्टडी था एशियन ड्रामा, वो 1968 का था. वहां पर वो दिखा रहे हैं कि कैसे द क्वेस्ट फॉर रैशनैलिटी इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स. वो कहते हैं कि इंडिया में पीपल वॉन्ट टू गेट मॉडर्न, लोग मॉडर्न होना चाहते हैं, बट ये जो मॉडर्नाइजेशन का आइडिया है इंडिया में, दिस इज सोली बेस्ड ऑन द रैशनल आउटलुक ऑफ वेस्ट. जो हमारे ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर्स थे उनकी जो भी आइडियोलॉजीज थी उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को भी मॉडर्न बनाना चाहते हैं. सो ही मीन्स बाई डिवलपमेंट वॉट ही कॉल्स मॉडर्नाइजेशन आइडियल्स. ही कॉल्स कि हमारे लिए डिवलपमेंट इज जस्ट नथिंग बट only about being modern, और उसको वो quote unquote modernization ideals बुलाते थे. He says India has a social system consisting of a great number of conditions that are causally related. तो India का जो development picture है उसको हम लोग सिर्फ एक नजरिए से नहीं देख सकते. We cannot see कि वो सिर्फ हमारे economic reasons के वजह से हम लोग पीछे है या फिर हम लोग social reasons के वजह से पीछे है. We cannot say that. सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है. तो उसको वो इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं. वो कहते हैं कि दैट इज हिज मेन सेंट्रल पॉइंट, कि हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट प्रोसेस है इट इज कनेक्टेड सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल. सारी चीजें कनेक्टेड है. ये सारी चीजें मिलके बताएगा हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है. The change in one condition brings change in the other. इसको वो circular causation, या फिर और भी एक आसान भाषा में जिसको हम लोग कहते हैं vicious circle of poverty. I hope आप लोग को पता है कि एक cycle की तरह होता है. मैंने आप लोग को समझाया था ये cycle. मान लीजिए आपकी health बहुत बुरी है, ओके, जिससे आपको तबीयत खराब रहती है, जिसके वजह से आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, so no job. और अगर नो जॉब है तो आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्टे इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. ओके,
हेल्दी नहीं रहोगे आप, सो इससे क्या होगा, फिर से आपकी हेल्थ खराब होगी. ओके, आपके पास नो मनी. सो इट इज लाइक अ साइकिल, एक रीजन दूसरे रीजन से जुड़ा हुआ है. बिडाल इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट. उनके अप्रोच को हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहते हैं. अगर आ गया मान लीजिए कि सोशल चेंज के थियरीज में मिर्डाल के अप्रोच को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल बेसिस ही कहेंगे. ओके, हिज एम्फेसिस इज ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल्स डिजायर फॉर डेवलपमेंट. क्या लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उनका बेसिक आइडिया क्या है डेवलपमेंट का. द डिजायर फॉर डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंजेस इन इंस्टीट्यूशंस, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड वर्क, द थियरी ऑफ कर्मा, लेवल्स ऑफ लिविंग एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें जो है इस पे वो फोकस करते हैं कि कैसे एक जगह पे डेवलपमेंट लाने के लिए ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, कि आपका मैरिज सिस्टम कैसा है, फैमिली सिस्टम कैसा है, कितने आप लोग कंजर्वेटिव हैं एटसेट्रा. सो आई हैव लिस्टेड आउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट PYQs जो आए हैं गुनार मिर्डाल से. तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं गुनार मिर्डाल से. सो दिस इज अ मैच द फॉलोइंग, जहां पर हमारे पास सेंटर, पेरीफेरी, ओपन क्लोज, सेंटर, सेमी पेरीफेरी और ट्रस्टीशिप जैसे टॉपिक्स है, उसको हम लोग को मैच करना है गांधी, सामी रामिन, गुनार मिर्डाल, एंड्रे गुंडार फ्रेंक और अमर्त्य सेन से. ओके, सो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारे करेक्ट ऑप्शन है. This is the correct option B, which means A is equal to 4. Center periphery की बात हमारी A.G. Frank ने की थी. Okay? Then we have B is equal to 3. Open closed societies की बात गुनार मिर्डाल ने की थी. So please remember, गुनार मिर्डाल ने open and closed societies की बात की है. Center semi periphery की बात किसने की है, सामी रामिन ने. So don't confuse. Center periphery A.G. Frank and center semi periphery is by सामी रामिन. And finally we have D is equal to 1. That is, trusteeship is given by M.K. Gandhi. इसमें भी हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, जहां पर हमारे पास थिंकर्स हैं और काफी सारे थियरीज हैं. सो हमारे पास एंड्रे गुंडार फ्रैंक है, गुनार मिर्डाल है, मैक्स वेबर है, सामी रामिन है. सो यहां पर भी करेक्ट आंसर बी है, विच मीन्स ए इज इक्वल टू 4. A.G. फ्रैंक ने हमें सेंटर पेरीफेरी की बात की है. B is equal to 1. गुनार मिर्डाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्ट स्टेट. तो जब भी आप ये सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट पावर, ये सारे टॉपिक्स देखोगे, ये सारे उन्हीं का है. ठीक है, देन वी हैव C is equal to 3. मैक्स वेबर ने हमें अनइवन डेवलपमेंट की, सॉरी कल्चरल की बात की है. ओके, जो हमारे मैक्स वेबर रहे हैं उन्होंने कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट कही है, जहां पर यू नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा आ जाती है. एंड फाइनली वी हैव सामी रामिन, जिन्होंने हमें अनइवन डेवलपमेंट की बात की है, और रादर वी कैन ऑल्सो से द सेंटर, सेमी पेरीफेरी एंड ऑल दैट. ओके, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज पीपल, आप लोग प्लीज याद रखें इन्हें. Who remarked regarding India's development as soft state during 1960s? Indian development को soft state किसने कहा था? Correct answer is Gunnar Myrdal. Okay? This is again a match the following: liberal, uneven development, center periphery, world system. तो correct answer यहाँ पर हमारा A है, where A is equal to 4. Liberal जो है इनमें से हमारे Gunnar Myrdal है. Okay? इनमें से ये हमारे जो भी list के लोग हैं, इनमें से सिर्फ Gunnar Myrdal liberal approach लेते हैं. Okay? Then we have B is equal to 3. Uneven development की बात हमारी सामी रामिन ने की है. C is equal to 1. Center periphery की बात हमारी वॉलस्टीन ने की है. ओके, सॉरी, सेंटर पेरीफेरी की बात हमारी एंड्रे गुंडार फ्रैंक ने की है. एंड द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड एज अ सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी हमारा इमानुअल वॉलस्टीन का है. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स, स्पेशली दैट ऑफ सेंटर पेरीफेरी, सेंटर सेमी पेरीफेरी. गुनार, सॉरी, एंड्रे गुंडार फ्रैंक का और भी एक कॉन्सेप्ट है, विच इज नोन एज अंडर डेवलपमेंट. तो अगर क्वेश्चन में अंडर डेवलपमेंट रहा तो ये हमारा A.G. फ्रैंक हो जाएगा, बट अनइवन डेवलपमेंट इज बाय हमारे सामी रामिन. ओके, हु रोट एशियन ड्रामा एंड डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. एशियन ड्रामा के ऑथर कौन है? गुनार मिर्डाल. ये तो हम लोगों ने डिस्कस की ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स गुनार मिर्डाल यूज्ड इन हिज बुक एशियन ड्रामा? पेट्रियार्क, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, हार्ड स्टेट. सॉफ्ट स्टेट की बात उन्होंने एशियन ड्रामा किताब में की है. पर यहां पर पूछ रहा है कि सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या है? न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन स्टेट्स फाइंड इट इजी टू रूल? नो. न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स आर एबल टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन? नो. न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स यूज्ड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द डेवियंस? नो.
इसको सॉफ्ट हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फाइंड डिफिकल्टीज इन टेकिंग हार्ड डिसीजन. तो अगर हमारे इंडिया में कोई भी कुछ गलत हो रही है तो हम वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन और एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेप ले. इसीलिए उन्होंने इंडिया जैसे कंट्रीज को सॉफ्ट स्टेट कहा था. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप यू लर्न समथिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस. अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन आस्क मी. दिस इज माई रेफरल कोड जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी एंड यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, पेपर वन, पेपर टू, एवरीथिंग. नाउ प्लीज डू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर कोई भी डाउट्स है आपका, या फिर यू वॉन्ट अदर वीडियो रिक्वेस्ट, किसी दूसरे थिंकर्स रिलेटेड आप वीडियोज चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन थिंकर्स, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. ओके, टिल देन आपका काम होगा आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें. ओके, एंड गो थ्रू ऑल माई लेसन विच आर इन स्पेशल एंड फ्री. ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, बिकॉज इस पर मैं काफ़ी सारे PDFs अपडेट्स देती हूँ कि आज मेरा क्लास है एंड ऑल दैट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज लाऊंगी आजकल. सो थैंक यू सो मच. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज. प्लीज स्टे इन टच.